अब इसको हम मिलाएंगे। पहले आम ले लेंगे, पहले आम ले लेंगे। उसके बाद जो ये चॉप किया हुआ अदरक लहसुन और मिर्ची ले लेंगे। उसके बाद इसमें तेल डालेंगे, थोड़ा इसमें तेल ज़्यादा ही डलता है। उसके बाद अजवाइन डालेंगे, उसके बाद कलौजी डालेंगे, फिर नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, लेकिन थोड़ा नमक आम है तो उसमें नमक ज़्यादा ही डलता है। उसके बाद हल्दी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके और 4-5 दिन इसको अच्छे धूप में सुखाएंगे और चलाते रहेंगे। जब धूप में रखे जाएंगे तो चलाते रहेंगे। ये बहुत अच्छा चटनी बन के तैयार होगा। इसको आप लोग घर पे बनाओ और मेरे से शेयर करना कि कैसा बना है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।